वेलकम ऑन करंट अफेयर सेशन ऑफ उज्जवल क्लासेस। आपके सामने डेली की तरह मैं लेके आई हूँ करंट अफेयर का सेशन, जो आपके आने वाले एग्जामिनेशन में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जितने भी आपके एग्जाम्स सामने हैं, चाहे वो CHSL हो, NTPC, RRB हो या NCL हो, सारे एग्ज़ाम में करंट अफेयर इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो ये वीडियो है आपके लिए। आज की हमारी फर्स्ट न्यूज़ है, आंध्र प्रदेश में सरकारी स्कूलों में छात्रों को मुफ्त में किट वितरण की योजना जगन्नाथ विद्या कानुका को स्थगित कर दिया गया है। आंध्र प्रदेश की ये योजना है विद्या कानुका, तो इसको स्थगित कर दिया गया। तो इसमें इम्पोर्टेंट ये रहने वाला है कि जगन्नाथ विद्या कानुका किस प्रदेश से संबंधित योजना है, तो ये है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है, अहमदाबाद में साबरमती सेंट्रल जेल ने राष्ट्रपिता की 191वीं जयंती के अवसर पर रेडियो जेल लॉन्च किया है। तो रेडियो जेल किस प्रदेश में या किस जगह पर लॉन्च किया गया है, अहमदाबाद में साबरमती सेंट्रल जेल। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, विष्णु शिवराज पांडियन ने अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप के 5वें संस्करण में 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता जीती। तो इसमें ये क्वेश्चन हो सकता है कि विष्णु शिवराज पांडियन का संबंध किस खेल से है, तो इनका संबंध शूटिंग से है। नेक्स्ट, जितेंद्र सिंह ने डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ असम पर एक कॉफी टेबल बुक जारी की है। तो ये एक तरह की बुक है और इसके ऑर्थर हैं पद्म पानी बोरा, और बुक का नाम है डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ असम। नेक्स्ट, विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है, ये विश्व शिक्षक दिवस है और जो हम मनाते हैं शिक्षक दिवस वो हमारे देश का है, तो थोड़ा इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर, और इस बार की जो थीम है वो रखी गई है टीचर लीडिंग इन क्राइसिस रिमेनिंग द फ्यूचर। नेक्स्ट, विश्व पर्यावास दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जा रहा है और इसकी थीम रखी गई है हाउसिंग फॉर ऑल अ बेटर अर्बन फ्यूचर। ये ऑब्जर्व किया जाता है 1st Monday ऑफ अक्टूबर। नेक्स्ट, किरण रिजिजू ने CRPF दिव्यांग योद्धा साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाई, जो गुजरात के साबरमती आश्रम से शुरू हुई है और राजपथ पर समाप्त हुई। तो इसको मतलब इसका इनॉग्रेशन किसके द्वारा किया गया है, ये है आंसर किरण रिजिजू। और ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, गुजरात के साबरमती आश्रम से, और कहाँ पे जाके ख़त्म हुआ, राजपथ पे। नेक्स्ट, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने डिजिटल रूप से ग्राम दर्शन शुरू किया है। तो ग्राम दर्शन का संबंध हरियाणा से है, जिसे मनोहर लाल खट्टर के द्वारा स्टार्ट किया गया है, टेकिंग अ स्टेप फॉरवर्ड टुवर्ड्स कंप्लीट डिजिटाइजेशन ऑफ विलेज बाय अपलोडिंग रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल डेवलपमेंट एक्टिविटीज ऑफ विलेज एज वेल एज ऑफ वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑन द सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म। मतलब कि जितने भी वहाँ पे गवर्नमेंट को मतलब गवर्नमेंट स्कीम्स चलाई जा रही है, उनके लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। मतलब कि जितने भी हरियाणा के गांव हैं उनको पूर्ण रूप से डिजिटल किया जा रहा है, और जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो सब अपलोड किए जा रहे हैं ताकि वो डिजिटल हो सके। नेक्स्ट है, अ प्लेटफॉर्म मेकिंग द एक्सेसिबिलिटी ऑफ डाटा ऑफ मेनी एज 6197 ग्राम पंचायत ऑफ द स्टेट ऑनलाइन। तो वहाँ पे जो ग्राम पंचायत चलाई जा रही है उसके जितने भी उपलब्धियाँ हैं उनको भी ऑनलाइन पोर्टल पे रिकॉर्ड किया जा रहा है। नेक्स्ट है नाबार्ड से रिलेटेड न्यूज़, नाबार्ड ने कर्नाटक में स्वच्छ भारत मिशन के तहत जल स्वच्छता और स्वच्छता पर साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छता साक्षरता अभियान शुरू किया है, WSH वॉश, ठीक है। तो वॉश का हमारा फुल फॉर्म होगा वाटर सैनिटाइजेशन एंड हाइजीन अंडर स्वच्छ भारत मिशन। नेक्स्ट न्यूज़ है, रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कोलकाता के ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर के फूल बागान स्टेशन का वस्तुतः उद्घाटन किया। तो ये जो स्टेशन है ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर,
ये कोलकाता का एक स्टेशन है। एंड फ्लैग्ड ऑफ द फर्स्ट ट्रेन फ्रॉम देयर टू साल्ट लेक सेक्टर वी, इंटायर स्ट्रेच ऑफ द कॉरिडोर कनेक्टिंग सेक्टर वी एंड हावड़ा मैदान इज़ लाइकली टू बी कम्प्लीटेड बाई दिसंबर 2021। ये इससे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं जो ऐसे देखिए, फर्स्ट है फ्लैग्ड ऑफ द फर्स्ट ट्रेन फ्रॉम देयर टू साल्ट लेक, मतलब साल्ट लेक से पहली ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है। नेक्स्ट है इंटायर स्ट्रेचेस ऑफ कॉरिडोर कनेक्टिंग, ये जो कॉरिडोर है वो सेक्टर वी को हावड़ा से कनेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट न्यूज़, असम के मुख्यमंत्री ने एक ऑनलाइन पेंशन सबमिशन और ट्रैकिंग सिस्टम कृतज्ञ नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया है। तो ये जो कृतज्ञ है वो पेंशन सबमिशन को लेके है जो असम ने स्टार्ट किया है। नेक्स्ट न्यूज़ है, पंजाब नेशनल बैंक ने वित्तीय समावेशन और साक्षरता पहल ग्राम संपर्क अभियान शुरू किया है। तो न्यूज़ जो है ये इस तरीके से एग्ज़ाम में हमारे सामने आ सकती है। ग्राम संपर्क अभियान किस बैंक की पहल है या किस बैंक द्वारा शुरू किया गया अभियान है, तो इसका आंसर होगा पंजाब नेशनल बैंक। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने अनुसूचित जाति के लिए वेंचर कैपिटल फंड फॉर अनुसूचित जाति के तहत अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इनक्यूबेशन मिशन शुरू किया है, जो उच्च शिक्षा संस्थानों में पढ़ रहे SC छात्रों के बीच नवाचार और उद्यम को बढ़ावा देने के उद्देश्य से है। तो ये असीम है, ASIIM, जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जितने भी जो जाति के बच्चे पढ़ रहे हैं उनके बीच में इनोवेशन को लेके और हायर एजुकेशन को के बढ़ावा देने के लिए एक मिशन शुरू किया गया है जो अंबेडकर जी के नाम पे रखा गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में अटल सुरंग का उद्घाटन किया है, जो लाहौर और स्पीति जिले के सिसु से मनाली के पास सोलंग घाटी को जोड़ती, जो काफ़ी न्यूज़ में रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में अटल सुरंग का उद्घाटन किया, जो लाहौल और स्पीति जिले के सिसु से मनाली के पास, इसमें ये ध्यान रखना है कि कहाँ से ये किस कहाँ से कहाँ तक किस घाटी को जोड़ता है, सोलंग घाटी को जोड़ती है। ओडिशा सरकार के पूर्व मंत्री प्रदीप कुमार महारथी का हाल ही में निधन हुआ, वो 65 वर्ष के थे। तो प्रदीप सिंह महारथी का संबंध उड़ीसा से था। नेक्स्ट, रेलिगेयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने अपना नाम बदलकर केयर एंड इंश्योरेंस कर दिया है। WHO की मुख्य वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का विशेष पुरस्कार मिला है। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इसके प्रीवियस वाले वीडियो में आपको कुछ हेडक्वार्टर्स दिखाई गई थी जो कनाडा से थी, और आज ये जो हेडक्वार्टर है वो Washington DC की है। तो देख लेते हैं कि कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस है जिनका हेडक्वार्टर Washington DC में है। फर्स्ट है हमारा IMF और सेकंड है वर्ल्ड बैंक। IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों का हेडक्वार्टर Washington DC में है। आई होप ये वीडियो आपको बेनिफिशियल लगा होगा अपने आने वाले एग्ज़ाम्स को लेके, और इसके थ्रू आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छी खासी चल रही होगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो अपना लाइक कमेंट्स हमें दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।